नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। कहते हैं इग्नोरेंस इज अ ब्लिस, यानी कभी कभी कुछ चीजों को नजरअंदाज कर देना अच्छा होता है, लेकिन जब बात सेहत की हो तो ये इग्नोरेंस महंगा पड़ जाता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप हुसैन। अक्सर लोग काम की वजह से लंबे वक्त तक एक ही जगह पर बैठे रहते हैं, पानी कम पीते हैं, घंटों यूरिन को कंट्रोल करते हैं यानी कि रोक के रखते हैं, फिजिकल एक्टिविटी के नाम पर रोज 100 कदम भी नहीं चलते, और घूम फिर कर इसका सीधा असर देखने को मिलता है उनके शरीर पर। सबसे पहले डाइजेशन बिगड़ता है, पेट का फैट जो है वो जमा होने लगता है, और फिर इंस्टॉलमेंट में बीमारियों का घर बनने लगता है हमारा शरीर। और जब मौसम गर्मी का हो तो खराब लाइफस्टाइल और गर्मी के कॉम्बिनेशन से इंस्टॉलमेंट में छोटी नहीं बल्कि बड़ी बीमारियां मिल जाती हैं। और किडनी, प्रोस्टेट की परेशानी को ही आप ले लें, वक्त रहते अगर इस पर ध्यान ना दिया जाए तो ये प्रोस्टेट कैंसर की सीरियस बीमारी में तब्दील हो सकता है। बिल्कुल ऐसा हो सकता है, और देश में प्रोस्टेट बड़ी परेशानी बन रहा है। ओल्ड एज में होने वाली इस प्रॉब्लम की शुरुआत अब 40 की उम्र के लोगों को भी होने लगी है, लेकिन बावजूद इसके ज्यादातर लोग प्रोस्टेट की प्रॉब्लम क्या है इसके बारे में जानते तक नहीं है। ठीक बात है ज्योत्सना, और हम सबको अपनी बॉडी के बारे में जरूर जानना चाहिए। असल में प्रोस्टेट ग्लैंड पुरुषों में पाया जाता है। कई वजहों से जब प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर के टिश्यूज बढ़ने लगते हैं जो एनलार्ज होकर यूरिन के फ्लो को रोकते हैं, जिससे यूरिन ट्रैक्ट, ब्लैडर, किडनी में प्रॉब्लम शुरू होती है। आप जानकर हैरान होंगे हुसैन कि देश में प्रोस्टेट कैंसर के मामले हर साल तेजी से बढ़ रहे हैं। ये दुनिया का चौथा सबसे ज्यादा पाया जाने वाला ट्यूमर है। और जान लीजिए कि फिजिकली एक्टिव रहते हैं, रेगुलर वर्कआउट करते हैं, रोज योग करते हैं, तो आपको प्रोस्टेट प्रॉब्लम के चांसेस बहुत कम है, ना के बराबर। लाइफस्टाइल को बेहतर बनाकर आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। पूरे इंडिया को निरोग बनाना, यही है इंडिया टीवी और स्वामी रामदेव का मिशन। तो जल्दी से अपने मैट्स बिछा लीजिए, और हम तो उम्मीद कर रहे हैं आपने बिछा ही लिए होंगे, और तैयार हो जाइए हमारे साथ योग करने के लिए। स्वामी रामदेव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। बहुत बहुत प्रणाम। और प्रोस्टेट को हमने जो ठीक किया है उसके लाइव एग्जाम्पल्स हमारे साथ हैं। एक तो देखो ये जो साइकिल चला रहे हैं ना, ये खुद ही चलते हो जाते अभी तक, तो इनका पीएच हो गया था 45। ये प्रोस्टेट कैंसर का मार्कर है। अब 45 से अब आ गया है, कितना आ गया है, रुको एक बार कृष्ण जी, अब कितना आ गया है आपका पीएसए? 0.6 आ गया है। कितने दिन लगे? 2 साल लग गए। 2 साल से अब योग कर रहे हैं जी। और अपना मेजर, आप भोपाल आए थे, जब से फॉलो कर रहा हूँ आपको, जब से इंडिया टीवी पर शुरुआत अभी से लगे हुए। और इनकी पत्नी को, इनको ब्रेस्ट कैंसर था, इन्होंने भी अपने आप को कंट्रोल कर लिया। अब ये दो भाई इधर बैठे हुए हमारे, विजय कुमार जी और जीवन सिंह जी। विजय जी का प्रोस्टेट था 33, जीवन सिंह जी का था 38, अब इनका आ गया है। विजय जी कितना आ गया है? चलो मंडू का सर। मेरा सर अभी 25 आ गया। और इनका जीवन जी? सर मेरा अब 26 चल रहा है, सर 26 है। अब ये लोगों का प्रोस्टेट बढ़ के 30, 40, 50, 60, 100 तक पहुंच जाता है। अब लोगों को लगता है ये रिवर्सेबल नहीं है। अब क्या गोखरू का पानी भी पिया? गोखरू का पानी पिया। और तुम्हारा? अभी मेरा 26 आ गया है, पहले पहले 40 था। क्या नाम है? मुकुट मित्तल। लो भाई, सबके लिए अभिनंदन है, मुकुट जी के लिए भी। आप मिट्टी पट्टी भी करवा लो, हाँ मुकुट जी लेट जाओ। तो ये बड़ी बात है कि प्रोस्टेट कैंसर, पीएसए बढ़ा हुआ प्रोस्टेट, ये इंस्टेंट कम कर सकते हो 1-2 सप्ताह से लेके 1-2 महीना में ही। अब कपाल भाती, मंडू का आसन, गोखरू का पानी, ज्यादा ही बढ़ जाए तो हम खाली पेट सिस्टोग्री, खाने के बाद काचनार गुगुल वृद्धि बाधिका वटी या काचनार घनवटी दे देते हैं। और आज काचनार और गोखरू का क्वाथ जो प्रोस्टेट कैंसर के लिए रामबाण है वो भी बताने वाले हैं, और छोटे छोटे उपाय। अब ये गोखरू, हम बच्चे थे तब
देखते थे, ये गोखरू, ये भूम्यावला, ये पुनर्नवा, ये मकोई, ये पत्थर चट्टा, लोगों ने घरों में लगाना शुरू कर दिया है। अब तो गमलों में लोगों ने पीपल, नीम आदि भी, और ये नागदोन, ये सब अपने घरों में लोगों ने लगाने शुरू कर दिए, और इसी से ही बड़े बड़े रोगों से बच रहे हैं। काली मिर्च 5 और 11 से लेके 21, फिर धीरे धीरे 51 पत्ते तक, एक ग्लास 200-250 ml लौकी, 5 काली मिर्च और 11 से 21 पत्ते, 51 पत्ते तक अधिकतम तुलसी के ले सकते हैं। प्रोस्टेट कैंसर के लिए रामबाण है। और ऐसे ये मंडू का आसन के साथ। अच्छा स्वामी जी, देखिए जो लोग आपके पास पहुंच गए हैं, पेट का कैंसर हो तो दही के अंदर तुलसी के पत्र। स्वामी जी देखिए, जो लोग आपके पास पहुंच चुके हैं वो तो आपकी शरण में है, वो अपनी परेशानी को दूर कर लेंगे। लेकिन हमने सुना है बहुत सारे लोगों से कि ये प्रॉब्लम जो है प्रोस्टेट की काफी पेनफुल होती है, बहुत दर्द और तकलीफ होती है इसमें, तो ये परेशानी लाइफ में आए ही नहीं, इसके लिए क्या किया जाए ऐसा कि ये प्रॉब्लम ही ना हो किसी को, क्योंकि आज हजारों लाखों की तादाद में दर्शक आपको देख रहे हैं। हाँ, ये आपने अच्छा प्रश्न पूछा मेरे भाई हुसैन। वैसे तो हमने एक प्रोस्टोग्रिड औषधि भी बना रखी है, और एक हमारे यहाँ बोला जाता था, मैंने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना था कि जब उम्र 40 के पास पहुंच जाए तो चंद्र प्रभावटी एक ही गोली खाते रहना चाहिए। मैंने भारत के राष्ट्रपति रामनाथ जी कोविंद जी से लेकर के, उनको भी चंद्र प्रभावटी गोक्षरादि गोगुल और जो है थोड़े दिन के लिए विश्वतिंदुक वटी दी खाने के बाद, और खाली पेट पुनर्नवादी मंडू, और मेरे से कहने लगे स्वामी जी तो बड़ा जबरदस्त है। तो मैंने कहा जी आप यदि गोखरू का पानी और पी लो और उसकी बस्ती भी ले लो तो और लाभ हो जाएगा। वो भी फिर उन्होंने राष्ट्रपति भवन में बस्ती की व्यवस्था करवाई, और वहाँ जितनी भी वहाँ, क्योंकि एक इंटीग्रेटेड पैथी का एक पूरा सेंटर भी है जहाँ पंचकर्मा षटकर्मा सारी चीजें हैं, तो गोखरू की बस्ती दे देते हैं एनीवा, तो अद्भुत इससे लाभ होता है। तो ये बड़ी उम्र में किसी को भी ये प्रॉब्लम होती है, तो मेरे से बोले स्वामी जी ये तो बड़ा जबरदस्त है। मैं इसलिए इन बातों को कह रहा हूँ, मुझे कोई संदर्भ, वैसे ठीक है पिछले दिनों राष्ट्रपति भवन में हम शिविर करके आए, कोई राष्ट्रपति जी का संदर्भ मैं कोई बड़प्पन के लिए नहीं ले रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बड़ी उम्र में लगभग सभी को प्रॉब्लम होती है, तो क्या करें? तो 40 के बाद एक तो चंद्र प्रभावटी खाना शुरू कर दे, गोखरू का पानी सप्ताह में एक बार पीते रहे, अथवा सप्ताह में एक बार जौ का आटे की रोटी, जौ का दलिया, या जौ और कुलथ गोखरू, इसका काढ़ा मैं कई बार बताता रहता हूँ। किडनी में स्टोन फॉर्मेशन से लेकर के प्रोस्टेट कैंसर से लेकर के प्रोस्टेट के बढ़ने से लेकर के, और गोखरू तो यूटीआई से लेकर के अर्थराइटिस तक के लिए दवाई है। अब बातें छोटी छोटी हैं, ये मंडू का आसन ऐसे या ऐसे, और शशक आसन, आज ये 10 अभ्यास हम पूरे बता रहे हैं, ये मेरे साथ साथ सब कर भी लेंगे, और आज हम सबको ये बताना चाहते हैं पानी पूरा पिए, और बचपन से ही कपाल भाती करते रहे, बच्चों को आदत डाल दे 5 मिनट कपाल भाती करने की, तो कभी भी जिंदगी में प्रोस्टेट का कैंसर होगा ही नहीं, पीएसए बढ़ेगा ही नहीं, प्रोस्टेट का प्रॉब्लम होगा ही नहीं। और लेडीज को यूट्रस का, ओवरी का और मंथली का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, उनको भी कपाल भाती करना ही चाहिए। तो ये छोटे छोटे उपाय जो हम यहाँ रोज बताते रहते हैं, उनको अपना ले तो बड़ी बड़ी समस्याओं से बच सकते हैं। हुसैन भाई, मीनाक्षी बेन, आज ज्योत्सना है स्वामी जी हमारे साथ, और वो काफी टफ टफ आसन करती हैं, आप देख ही रहे हैं, और कोई चैलेंज उनके लिए आपके पास होगा तो जरूर बताइएगा। अच्छा स्वामी जी, प्रोस्टेट की जो प्रॉब्लम है उसकी वजह से अब हमारा, हम अभेद हो गए, ज्योत्सना मीनाक्षी जी दोनों को हम एक ही रूप में देखते हैं, तो कभी कभी हमने स्क्रीन की तरफ नहीं देखा हो या ना सुना हो तो फिर कभी कभी हमको भ्रांति हो जाती है, और ये अच्छी बात है कि सारी भेद खत्म हो जाए और हम एकत्व में, अद्वैत में प्रतिष्ठित हो जाए। क्या बात, तो जो भी सीखा है सब आपसे ही प्रेरणा लेकर सीखा है, अस्तित्व है, और ज्योत्सना तो बहुत अच्छी योगिनी है। मैं कह रही हूँ स्वामी जी, जो भी सीखा है सब आप ही से प्रेरणा लेकर सीखा है, जैसे हजारों करोड़ों लोग सीख रहे हैं। अच्छा स्वामी जी, प्रोस्टेट की जो प्रॉब्लम है इसकी वजह से कई बार किडनी फेल तक की नौबत आ जाती है। जी मेरे भाई, मैं ये कह रहा हूँ स्वामी जी कि ये प्रोस्टेट, इसकी वजह से कई बार किडनी फेल्योर तक की नौबत आ जाती है, और इससे बचाव के क्या उपाय हैं जरा ये भी बताइए।
तो देखो, एक तो 10 आसन करें, मंडूकासन, अभी योग मुद्रासन हम कर रहे हैं, फिर जैसे जिनका थोड़ा सामर्थ्य ज्यादा होता है तो वो तो पीछे से ऐसे पकड़ लिया, ऐसे बद्ध पद्मासन करके, और इसी में आगे झुक गए। योग मुद्रासन दो तरह से किया जाता है, पीछे से ऐसे अंगुली अंगूठे पकड़ के ऐसे और ऐसे, तो 10 आसन करें। दूसरी बात, ये जो वाटर थेरापी और मड थेरापी, ये हमारे तजेंद्र भाटिया जी बैठे हुए हैं, पूरा आनंद कर रहे हैं जी। सत श्री अकाल जी, सब आनंद है जी। कितना कितना वजन कम कर लिया जी? मैंने 6 किलो वजन कम किया 6 दिनों में। 6 दिनों में 6 किलो वजन कम किया, तो तुम्हारी तो मौज हो गई। फुल मौज है, फुल मौज, फुल मौज। और स्वामी जी, टॉवल से पेट सहलाने से वजन घटता है? ये छोटी सी बात है, अपने घर में भी कर सकते हैं। ये पेट के ऊपर पानी का ये तौलिया घुमा रहे, इससे तो पेट ना एकदम रिलैक्स हो जाता, पाचन तंत्र अच्छा हो जाता है, पेट का मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाता है। बाकी तो फिर उन्होंने योगाभ्यास भी किया है, बस्ती भी किया, उपवास भी किया है, योग मुद्रासन, अर्ध मत्स्येन्द्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, ये प्रोस्टेट के लिए मेन आसन है, जिससे जो बन पाए वो कर ले। ये वाटर थेरापी जो दाएं तरफ चल रही है, इधर देखो ये मड थेरापी है, पेट पर और सिर पर मिट्टी की पट्टी रख देते हैं। जैसे ये भाई हमारे, इनका 40 से अब नॉर्मल आ गया प्रोस्टेट, नहीं तो बड़ी दिक्कत होती है, बार बार पेशाब जाना पड़ता है। उसके लिए मैंने कहा चंद्रप्रभा, गोक्षुरादि और विषतिंदु पट्टी हमें देनी पड़ती है, गोकरू का पानी पिलाते हैं और बाद में तो उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। देखो ये अच्छा कर लिया इन्होंने। ये तीनों के तीनों ही, विजय जी, जीवन जी और क्या नाम है, ताराचंद जी और हैं मुकुल मित्तल, तो ये अर्धमत्स्येन्द्रासन, वक्रासन और ये गोमुखासन बड़े जबरदस्त हैं। अब इससे गैस भी नहीं बनती और पेट भी अच्छा हो जाता है, बात तो छोटी। और कभी ये एक टेस्टिकल भी फुल ना होता है, इसको हाइड्रोसिल बोलते हैं। ये दोनों प्रॉब्लम पुरुषों को ही होती है, क्योंकि दोनों ग्लैंड जो है पुरुषों को ही होते हैं, एक तो प्रोस्टेट भी और टेस्टिकल्स भी। अब ये चीज, अब ये मंडूकासन और गोमुखासन कर लिया, 100 साल अच्छे बीतेंगे। अब ये छोटी छोटी बातें हैं, यही हम सिखा रहे हैं सारे संसार को। और ये बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस से लेकर के तमाम लाइफस्टाइल डिजीज और प्रोस्टेट भी लाइफस्टाइल डिजीज, वक्त के साथ, उम्र के साथ होने वाली चीजें हैं ये। लेकिन जो योग करेंगे तो ये सभी बीमारियों से बच सकेंगे, सभी बीमारियों को मिटा सकेंगे। प्रिवेंशन भी है योग, कंट्रोल भी है योग, क्योर भी है योग। योग एक जीवन पद्धति भी है, उपचार पद्धति भी है, साधना पद्धति भी है, जीवन का निर्माण भी है। इससे निर्वाण, मोक्ष और जीवन में पूर्णता, दिव्यता की प्राप्ति भी है, सहज समाधि भी है, सब रोगों का समाधान भी है। एक योग में जीवन के सारे सत्य सन्निहित हैं। स्वामी जी, परेशानी इतनी बड़ी है कि जब बिगड़ जाती है तो कैंसर तक की नौबत आ जाती है। अब प्रोस्टेट का अगर किसी को कैंसर हो गया हो या उसके शुरुआती दौर में हो, तो वो कैसे खुद को इससे बचा सकता है? तो देखो, एक तो सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी आदि जो सुबह बताते हैं ना, गोधन, अर्क, ये पिया करें। बाकी जो स्वस्थ व्यक्ति है, गिलोय के साथ साथ देखो ये गाजर, चुकंदर, अनार, आंवला, हल्दी, अदरक, इनका जूस पीने के लिए हम बोलते हैं। अब ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनका थोड़ा थोड़ा अपने जीवन में समावेश कर लें तो बड़े बड़े रोगों से बच जाते हैं। और जैसे आपने कहा किडनी की प्रॉब्लम ज़्यादा ही बढ़ जाए तो फिर क्या करें? तो फिर तो ट्राई घनवट्टी, और एक हमने बना रखा है रिनोग्रीट, अब ये कोरी घनवट्टी भी बना दी है, इसका सेवन कर लें। और मैं बोलता हूँ सप्ताह में एक बार कुलथ की दाल जरूर खाएं। ये गोमुखासन तो करना ही करना है। ये कुलथ की दाल जो है ना, बड़ी ज़बरदस्त, थोड़ी हार्ड होती है, इसके लिए रात को भिगो दिया करें और सुबह फिर इसको पका करके, थोड़ी गर्म होती है तो गर्मी में खा सकते हैं, ठंडी दाल खाने को गर्मा गर्म खानी जरूरी है। कुलथ की दाल भिगो करके और जब दाल पका के खाएंगे तो गर्म नहीं करेगी फिर।
तो ये सप्ताह में एक बार कुल्थ की दाल, सप्ताह में एक बार जौ के आटे की रोटी या जौ का दलिया, सप्ताह में एक बार गोखरू का काढ़ा, इतना तो सभी कर सकते हैं ना। इतना करने से यदि हम और बाद में कैंसर भी हो जाए तो सिस्टोग्री डायमंड खाली पेट और कासनार वृद्धिवादी का ये खाने के बाद ले लें तो कैंसर तक भी अच्छा हो जाता है। तो ये योग आयुर्वेद, ये प्राकृतिक चिकित्सा, ये देखने में ऐसा लगता है इनसे क्या होगा, लेकिन इनसे सब कुछ होता है और ये सब कुछ हम यहाँ होते हुए देखते हैं जी। चलो लेट जाते हैं, उधर पैर कर लो इधर। अच्छा स्वामी जी, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम की लगातार हम बात कर रहे हैं, तो क्या प्रोस्टेट की प्रॉब्लम की वजह जेनेटिक भी होती है? जेनेटिकली भी क्या प्रोस्टेट की प्रॉब्लम ट्रांसफर होती है? अगर ऐसा है, अगर इसका जवाब हाँ है, तो कैसे वक्त रहते इस जेनेटिक प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढा जा सकता है? जेनेटिक सारी प्रॉब्लम्स होती है ज्योत्सना जी, जेनेटिकली प्रोस्टेट भी बढ़ता है, जेनेटिकली यूट्रस में फाइब्रोड्स, ओवरी में सिस्ट, पॉलीसिस्टिक ओवरी, ये जेनेटिकली होते हैं। तो ये सिंपल से आसन, पवन मुक्त आसन, उत्तान पादासन, नौकासन, अभी मैं करता रहूँगा आपके साथ साथ, सर्वांगासन, हलासन तक। और ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रोस्टेट भी जेनेटिक होता है और अस्थमा अर्थराइटिस भी जेनेटिक होता है, क्योंकि माता पिता के ही दो पवित्र अंशों जिसको हम रज और शुक्र कहते हैं, स्पर्म ओवम कहते हैं अंग्रेजी में जिनको, उनसे ये शरीर बना है। इसलिए सारी की सारी प्रॉब्लम्स जेनेटिक होने की पॉसिबिलिटी है। इसलिए पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन आदि, मैं कह रहा था कोई भी एक चीज, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, कोई भी एक आसन, और कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, बचपन से कर ले तो जेनेटिक जो एक्सप्रेशन होता है, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन जो रोंग डायरेक्शन में बिहेवियर करने लगते हैं और अलग अलग प्रकार के म्यूटेशन होने जो है ना, हमारे सेल्स में म्यूटेशन होने लगते हैं जो बीमारियों की तरफ हमको लेके जाते हैं, उसकी दिशा को हम मोड़ देते हैं, ये बड़ी बात है। इसलिए चाहे आपने एक का पूछा, मैं सभी ये जेनेटिक प्रॉब्लम्स पवन मुक्त आसन, उत्तान पादासन, नौकासन करते करते बता रहा हूँ कि जिससे जितना बन पाए, जिनसे पवन मुक्त आसन ही बन पाता है वो करें, जिनसे बन पाए उत्तान पादासन, नौकासन भी कर लें। ऐसे थोड़ा लंबे समय तक टिकाने में दिक्कत होती है तो थोड़ा हाथ नीचे लगा लें, लेकिन ऐसे करते करते प्रोस्टेट कैंसर, यूट्रस का कैंसर, ओवरी का कैंसर, पीसीओडी की प्रॉब्लम, लीवर और आंतों की समस्या, कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस तक, 5% फिस्टूला तक जेनेटिक होता है ज्योत्सना जी। यहाँ तक कि कोई भी ये छोटी छोटी स्किन की प्रॉब्लम, ये भी जेनेटिक होती है, सिर दर्द तक, स्ट्रेस, एंजाइटी तक, डिप्रेशन तक, ये सारा हमारा जो शरीर और मन और जो भी हमारा अस्तित्व है ना, ये माता पिता से बनता है। और इसलिए जो माता पिता की समस्याएं हैं, अब थायराइड से लेकर के बीपी, शुगर से लेकर के सब बच्चों में ट्रांसफर होती हैं, ओबिसिटी तो तुरंत ही होती है। इसलिए आज हम योगाभ्यास कराते कराते सबको ये बताना चाह रहे हैं कि योग ये जेनेटिक समस्याओं को भी रोकने का बहुत बड़ा साधन है, नहीं तो पूरी दुनिया में जेनेटिक्स के ऊपर रिसर्च तो चल रहा है लेकिन उनके पास समाधान नहीं है। खाली अनुसंधान अभी चल रहा है कि कैसे कैसे अलग अलग प्रकार के म्यूटेशन होकर के, अलग अलग प्रकार के जेनेटिक एक्सप्रेशन होकर के, और ये जेनेटिक डिजीज हो जाती है, समाधान योग में है। तो ये पवन मुक्त आसन, उत्तान पादासन, नौकासन, पादांगुष्ठनासन, स्पर्शासन, सर्वांगासन, ये सेतुबंधासन से लेकर के ये सारे आसन जितसे जितने बन पाए, जिनसे सर्वांगासन, हलासन ना भी हो पाए तो कोई बात नहीं, वो अनुलोम विलोम ही कर लें, हाथ लगा करके भी, बिना हाथ लगाए भी, सालंब निरालंब सर्वांगासन ये कर। अच्छा स्वामी जी, देखिए आप हमेशा कहते आए हैं कि प्राणायाम से 99% जो बीमारियां हैं वो ठीक हो सकती हैं, तो जो लोग योगाभ्यास नहीं कर पा रहे हैं और वो प्रोस्टेट की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो कौन सा प्राणायाम उनके लिए कारगर होगा? तो जो ज्यादा नहीं कर पाते हैं, खाली मकरासन ही कर लें, मकारी आसन नहीं करना और ये भुजंगासन कर ले, ऐसे इतना यही कर ले,
दस बीस बार से लेके 50-100 बार तक अब तो हमने करवा दिया ऐसे, और जो ये भी ना कर पाए वो खाली प्राणायाम ही कर ले। तो आपने सत्य कहा है हुसैन भाई, वो जो कठिन आसन व्यायाम सूर्य नमस्कार दौड़ धूप नहीं कर पाते हैं, एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, वे मात्र प्राणायाम ही कर ले। देखो प्राणायाम में तीन प्राणायाम महत्वपूर्ण है प्रोस्टेट के लिए, तो एक तो कपालभाती, और जिनसे बन पाए उनके लिए बाह्य प्राणायाम। अग्निसार, और कपालभाति करते करते ये पॉइंट भी दबाएं, देखो हथेली के बीच में और ये छोटी अंगुली पर, तो इससे एकदम से लाभ हो जाता है। थोड़े दिन जिनको भी प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है, कहीं भी शरीर में गांठे हैं, उनको घी बंद कर देना चाहिए, बस थोड़ा सा इतना ध्यान रखें। और फिर कपालभाति के बाद अनुलोम विलोम तो पूरी बॉडी के लिए जरूरी है, इसलिए दो प्राणायाम में कहता हूँ कोई कर लेना, कपालभाति और अनुलोम विलोम, तो उसका पूरा जीवन ही संवर जाता है। करो अच्छा स्वामी जी, प्रोस्टेट की जो परेशानी है इसके पीछे खान पान का क्या रोल है? खान पान जो है वो कितना असर इसमें डालता है? क्योंकि क्या ऐसा भी है कि गलत खान पान की वजह से भी प्रोस्टेट की परेशानी हो सकती है? प्रोस्टेट की वजह दो हो सकती है, एक तो ये लोग पेशाब को ज्यादा देर रोक के रखते हैं, खास करके जो ऑफिसों में काम करते हैं ना लोग, तो क्या करते हैं, अरे ठीक है थोड़ी देर बाद में पेशाब चले जाएंगे, पानी कम पीते हैं, पेशाब को रोकते हैं। आयुर्वेद का सिद्धांत है वेगा न धारय, तो एक तो ये कारण है कम पानी पीना, और पानी पीने के बाद पेशाब को थोड़ा ज्यादा जो होल्ड करके रखते हैं उससे ये प्रॉब्लम आती है। दूसरा, ये प्रोस्टेट की जब तक एक्सरसाइज नहीं होगी, बाकी सब अंगों की एक्सरसाइज होते रहते हैं, हाथ पैरों की एक्सरसाइज हो जाती है, कहीं ना कहीं आगे पीछे झुक भी लेते हैं तो पेट पीठ का भी थोड़ा बहुत कहीं हिलना डुलना हो ही जाता है। ये अंदर एक छोटी सी किडनी के पास एक छोटी सी ग्रंथि है, अब कपालभाति नहीं करेंगे तो प्रोस्टेट को, सच में किडनी को और पेनक्रियाज को एक्सरसाइज नहीं देते, ये भी एक बड़ा कारण है। फिर जो ज्यादा नमक खाते, जो ज्यादा चीनी खाते, उनको ज्यादा डेयरी प्रोडक्ट खाते हैं, और पोल्यूशन ऑब्वियसली, जो आजकल तो वैसे भी पॉल्यूटेड वाटर एयर फूड सब कुछ खेत खलिहान से लेकर के चारों ओर पोल्यूशन है, और उसका असर हमारे बालों आंखों चमड़ी से लेकर के और हमारे इंटरनल ऑर्गन्स तक होता है, क्योंकि जो हम खेत में डालते हैं वो हमारे पेट में आता है, साग सब्जी दूध फल शाक सब बन करके। तो ये किसी भी कारण से प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हुई हो, कपालभाति से उसका निवारण हो जाएगा, बस ये खास बात जी। स्वामी जी, अब दर्शकों के सवालों को शामिल करते हैं। अलग अलग सोशल मीडिया के माध्यमों से हमारे दर्शक ने हम तक सवाल पहुंचाए हैं, फेसबुक, ट्विटर, ईमेल के जरिए। और पहला सवाल इस कड़ी में प्रवीण कुमार का है। प्रवीण कुमार ये कह रहे हैं कि उनको ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन यानी कि BOD की समस्या है, जिसकी वजह से यूरिन एक बार में खाली नहीं होता, तो क्या करें, कौन सा योगाभ्यास करें? स्वामी जी, प्रवीण जी की ये जो यूरिन रुकने की समस्या है, उसके लिए एक तो दिन भर गोखरू का पानी पिए, करीब 100 ग्राम गोखरू, 50 से 100 ग्राम गोखरू रात को भिगो करके रख दें, और ये करीब 1 लीटर पानी में भिगोया और सुबह उसको उबाल लें, इसका थोड़ा दरदरा कूट करके फिर भिगोना है, और 1 लीटर का 200-250 ग्राम बच जाए तब एक बोतल में भर करके रख लें, कांच की बोतल में या स्टील की बोतल में, और इसको 2-3 बार 4 बार में थोड़ा थोड़ा करके पी ले, 1 सप्ताह से लेकर के 1 महीने में ये पूरी प्रॉब्लम खत्म।
घर पर ही मिट्टी पट्टी कर सकते हैं, जैसे हमने शुरू में बताया, घर पर वाटर थेरेपी भी कर सकते हैं, टब में बैठ करके, टब स्नानी बोल देते हैं इसको, तो छोटे छोटे, और ये उपाय तो करना ही है, निश्चित रूप से यूरिन ब्लॉकेज की प्रॉब्लम खत्म। और औषधियों में चंद्रप्रभावटी, गोक्षरादी गुगुलिया, ट्राई घनवटी वो ट्राई कर सकते हैं। प्रवीण जी, स्वामी जी आपने बताया कि गोखरू को दरदरा कूट करके उसका काढ़ा बनाना, और आप कह रहे इसको बॉटल में भर के रख लें, तो ये कितने दिनों तक रख के स्टोर किया जा सकता है? एक दिन के लिए, बार बार, और उसको बार बार गर्म नहीं किया जाता है, बस आयुर्वेद में कहा जाता है एक दिन का काढ़ा कषाय उकाला एक दिन के लिए होना चाहिए। तो रात को भिगोया, सुबह उबाला, और उसको सुबह जो उबाल करके रख लिया उसको दिन भर पूरा खत्म कर दे, अगले दिन फिर नया पकाएं। ठीक है स्वामी जी। अगला सवाल अमित का है, उनके पिताजी को 4 महीने पहले हर्निया हो गया था और जो धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्या उपाय है स्वामी जी उनके लिए? हर्निया ठीक होता है, ये मैंने करीब 1 साल पहले ही पूरी प्रामाणिकता से कहा था। इससे पहले मैंने कहा था भाई आप थोड़ा रोकथाम तो कर सकते हो और बहुत सामान्य प्रारंभिक अवस्था का उसको तो ठीक भी कर सकते हो, लेकिन अब मैं इस बात को कहने की स्थितियों में हूँ कि हर्निया ठीक भी होता है। इसके लिए हमने ये सर्वकल्प और कायकल्प को तो पिलाया ही, और इसी में हमने अनार, अमरूद, और ये फ्रेश जब मिल जाते हैं, भूमि आंवला, पुनर्नवा, ये इसको, और एलोवेरा का जूस, ये भी साथ में मिला देते हैं, तो काचनार की छाल, ये काचनार का पौधा है, ये छोटी छोटी बातें, और ये अमलतास है, इसको भी काढ़ा बना करके पिला देते हैं, तो सर्वकल्प कायकल्प तो रेडीमेड सभी को मिल जाएगा। इसका काढ़ा पी ले, इसी में थोड़े अनार के पत्ते, थोड़े अमरूद के पत्ते, अमलतास मिला दिया, और आराम, पीछे झुकने वाला कोई आसन नहीं करना, उनको उष्ट्रासन, भुजंगासन या चक्रासन नहीं करना, तो हर्निया भी ठीक हो जाता है। वाटर थेरापी, मड थेरापी जरूर करें, मिट्टी पट्टी ये जरूर करें। स्वामी जी आज एक ये नया आसन ज्योत्सना कुछ करके दिखा रही है, जरा आप एक बार देख लें। अरे तो बहुत आसन नए नए कर लेंगे, फ्लेक्सिबल है ये, कुछ भी कर सकते। स्वामी जी आपके बच्चे इतना कंपटीशन देते हैं, सब उन्हीं से सीखा है। अगला सवाल शामिल कर लेते हैं, हालांकि हम देख रहे हैं कि एक भाई साहब स्विमिंग के भी मजे ले रहे हैं। अजीत का सवाल है, उनको बार बार वॉशरूम के लिए जाना पड़ता है। ये बहुत अच्छी है, ये तो हम बताना भूल ही गए, ये वाटर योगा, एक्वा योगा, ये बहुत अच्छा है, ये भी बहुत अच्छा है, प्रोस्टेट से लेकर के, वेट से लेकर, बीपी शुगर से लेकर के, स्विमिंग बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। जी मेरे बहन, कुछ पूछ रहे थे आप। स्वामी जी अजीत का सवाल आया है, अजीत कह रहे हैं कि उनको बार बार वॉशरूम के लिए जाना पड़ता है, जलन भी होती है और ये प्रॉब्लम पिछले 2 साल से हो रही है, तो क्या करें? अजीत जी की जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन तो गोखरू के पानी से ही हो जाएगा, और ये यूटीआई की भी बहुत जबरदस्त चीज है, धनिये का पानी, गोखरू और धनिये दोनों का प्रयोग किया जाए तो इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। जिनको बहुत ज्यादा पेशाब में जलन होती है उसके लिए मैं छोटी छोटी 2-3 बातें और बता देता हूँ। एक तो उनको चंदन आसव पिला देते हैं, ये जो आसव वरिष्ठों के बारे में हमने इतना बताया है ना, अब तो पूरे देश में इसका प्रचार बहुत हो गया, चंदन आसव ले सकते हैं, उससे यूरिन की खत्म, जलन खत्म हो जाती है। ये जो हमने कितनी बार बताया, पीपल के पत्तों का रस, शीशम के पत्तों का रस, इसके नीचे शीशम भी है, शीशम और पीपल, इसके पत्तों का रस, बेल के पत्तों का रस, दूब घास, ये जो दूब घास होती है ये दूरवा घास जो पूजा में प्रयोग करते हैं, संजीवनी घास, ये पूरी तरह से, और किसी को यदि जल जमनी मिल जाए या गोंद कतेरा मिल जाए तो जल जमनी का पानी या गोंद कतेरा रात को भिगो करके सुबह उसका पानी पिला देते हैं, और
हमने तो वेजल ड्रिंक भी बनाया हुआ है। ये सारी चीजें छोटी छोटी बड़ी महत्वपूर्ण है, तो इससे पेशाब की जलन पूरी खत्म हो जाती है। इसे पानी पूरा पीना चाहिए, और पानी में जब ज्यादा एकदम जलन हो जाए तो इंस्टेंट रिलीफ चाहिए, तो ठंडे पानी में, घड़े के ठंडे पानी में नींबू मिला करके और थोड़ा शहद मिला दे, चीनी नहीं मिलाना, एकदम से यूरिन क्लियर और पेट भी क्लियर। इतने छोटी छोटी बातें, बड़ा अप्रतिम इनका लाभ होता है। अजीत से लेकर औरों को भी, बहुतों को इससे समाधान मिल जाएगा। और गर्मी में तो अक्सर ये चीजें, पेशाब में जलन अक्सर हो ही जाता है लोगों को। अगला सवाल रुपेश का है, उनके दादाजी के यूरिन में जलन सी होती है, हालांकि आपने जवाब जो भी दिया उसमें शामिल, कुछ और बताना चाहें आप रुपेश के दादाजी के लिए तो आप बता दें स्वामी जी। तो रुपेश जी के दादाजी के लिए एक बात और है कि जैसे मैंने कहा ना, जो बार बार जलन होती है तो ये अंदर जो एक्सक्रिटरी सिस्टम होता है उसमें कमजोरी आ जाती है। तो उनको ये जो अभी मैंने उपाय बताए, शीशम रेल से लेकर के गोकरू से लेकर चंद्र प्रभावटी, ये जितने भी बड़े बुजुर्ग, मैं सबको कहूंगा, आप सब सुन लो, जो भी 40 के पार पहुंच चुके हैं, एक गोली चंद्र प्रभावटी की और एक गोली गोक्षरादि गुगुल की या ट्राई घनवटी, ये गोखरू के एक्सट्रैक्ट है, ये एक जरूर ले लिया करो, तो 100 साल तक कभी भी यूरिन की प्रॉब्लम होगी नहीं। तो ये जो है प्रॉब्लम 40-50 पार करके 60-70 में तो अक्सर होती ही होती है लोगों को, तो नहीं होगी मेरे भाई उस टाइम ये प्रॉब्लम। स्वामी जी, योगाभ्यास और सवालों के जवाब के बाद अब अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं। बीमारी कोई भी हो, आप जो पाक शास्त्र की जो चीज़ें बताते हैं वो भी बहुत कारगर होती हैं, तो प्रोस्टेट के लिए आज आप क्या बनाकर दिखाने वाले हैं, कोई काढ़ा खास आप बताने वाले हैं? और जब तक आप उस टेबल तक पहुंचेंगे तब तक हम कल का कार्यक्रम बता देते हैं स्वामी जी। जबरदस्त है, स्कूल खुलते ही हाई अलर्ट पर दिल्ली, NCR किस योग से मिलेगा आपके परिवार को सुरक्षा कवच, कोरोना मलेरिया से बचने के उपाय, योग गुरु से जानिए इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं। तो कल सुबह ये खास कार्यक्रम आपसे मिस नहीं होना चाहिए जी स्वामी जी। तो मेरे भाई, ये गोखरू और ये कातनार की छाल है, इसको लेते हैं और इसको कूट करके, जैसे मैंने बताया था ना, दरदरा इसको बोलते हैं, दरदरा, ये मोटा मोटा कूट करके और ऐसे फिर पानी में पका लिया। अब ये करीब दोनों इतने लेकर के 100 ग्राम 1 लीटर पानी में पकाया, और सुबह जब ये 250 ग्राम बच जाए तब इसको छान करके और फिर रख लेते हैं और फिर इसको पी लेते हैं। वैसे जिनको बहुत ज़्यादा यूरिन में लीकेज होता है, बार बार पेशाब का वेग इतना ज़्यादा आता है कि कपड़े ख़राब हो जाते हैं, किसी को तो डायपर तक पहनना पड़ता है, तो उनको तिल थोड़ा सा अजवाइन डाल करके और गुड़ मिला करके उसके लड्डू बना लेते हैं। और ये लड्डू जो है ये औषधि का काम करते हैं, जिनको बार बार यूरिन होता है उनके लिए। तो आपने खूब मजे ले लिए, अब वजन भी काफ़ी घटा लिया, आप लड्डू खाओ प्रसादा चखो। तो मैं बोल रहा था ये वेजल ड्रिंक, ये भी बड़ा अच्छा होता है, पहले विदेशों से लाना पड़ता था, अपने देश में हमने बना दिया है। ये भी तुलसी के बीज का जो है ना ड्रिंक है, ये भी बड़ा अच्छा होता है गर्मी के लिए। बहुत बहुत प्रणाम, जो ऐसे करेंगे जिंदगी में कभी भी यूरिन की प्रॉब्लम नहीं होगी, पेशाब की दिक्कत नहीं होगी, और प्रोस्टेट कैंसर तो किसी को होगा ही नहीं हुसैन भाई। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह, डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।